हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 15, जो कि प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, उसके सिक्स्थ एक्सरसाइज की शुरुआत करने वाले हैं। लास्ट एक्सरसाइज है ये, बेस थ्योरम पर बेस्ड एक्सरसाइज है। इसके आज हम फर्स्ट 8 क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे। होपफुली आपको अब तक के 5 एक्सरसाइजेस बड़े अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए सिक्स एक्सरसाइज की शुरुआत कर देते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एन अर्न ए कंटेन्स 1 white and 6 red balls, टोटल 7 balls हो गई। दूसरे बैग में हमारे पास 4 white और 3 red है, टोटल 7 इसमें भी है। वन बॉल इज ड्रा एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द अर्न, कौन से अर्न में से एक बॉल निकल रही है वो नहीं पता है, तो इसको हम इवेंट बोल सकते हैं कि फर्स्ट बैग में से या सेकंड बैग में से, यानी कि फर्स्ट बैग चूज हो रहा है या सेकंड बैग चूज हो रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है फिलहाल। एंड इज फाउंड टू बी वाइट, तो वो वाइट निकली। लास्ट एक्सरसाइज में आपने किस तरह क्वेश्चन किया था कि वो जो बॉल निकली उसके वाइट होने के चांसेस बताइए, यानी कि हमें वो टोटल प्रोबेबिलिटी पी ए निकालते थे, है ना। लेकिन अब क्या है, अब है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉ फ्रॉम फर्स्ट अर्न, या वो पहले थैले से निकली है। तो जितना काम हम लास्ट एक्सरसाइज में करके आए थे, यूँ समझिए वाइट बॉल आने के कितने चांस हैं उतना तो हमें निकालना ही है, ठीक है। सो देखिए अब ये बेस थ्योरम पर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर हम गिवन क्वांटिटीज बताने के बाद कि फर्स्ट अर्न में कितनी बॉल है सेकंड में कितनी बॉल है, उसके बाद देखिए लेट इवन बी द इवेंट दैट द बॉल इज ड्रा फ्रॉम फर्स्ट बैग, ऐसे बोल दें द बॉल is draw from first back, है ना, या earn दे रखा है इन्होंने तो earn लिख देते हैं हम, clear। and e2 event मान लेते हैं कि इसको the ball is draw from second earn, and a event consider कर लेते हैं किसको कि वो white है, क्लियर। बी द इवेंट दैट द ड्रा बॉल इज द ड्रा बॉल इज वाइट, है ना। तो अब यहाँ देखिए कि फर्स्ट बैग या सेकंड बैग कोई भी सिलेक्ट हो तो उनके चांसेस तो सेम होने वाले हैं, और कितने होने वाले, दो ही बैग थे तो हर एक के 1/2 चांसेस होने वाले हैं। एंड अगर फर्स्ट बैग सेलेक्ट हुआ तो उसमें से वाइट आने के कितने चांस हैं। अब देखिए फर्स्ट बैग में 1 white और टोटल 7 balls है, तो 1 white आने के कितने चांस हैं, 1/7, है ना। अगर सेकंड बैग सेलेक्ट हुआ तो उसमें से वाइट बॉल आने के कितने चांसेस होंगे, तो देखिए सेकंड बैग में 4 white और टोटल 7 balls हैं, सो 4/7 होगा, है ना। तो अब हम यहाँ पर एक टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लें पहले, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, रिक्वायर्ड क्वांटिटी से उस टोटल से डिवाइड कर देंगे। चलिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले तो हम वाइट बॉल आने के चांसेस निकालते हैं, क्लियर। देयरफॉर ये किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैपन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ e2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन e2 हैपन, है ना। सो अब ये देखिए कि यहाँ पर e1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, e2 की भी 1/2 है। व्हेन e1 हैपन तो ए की प्रोबेबिलिटी 1/7 है और इसकी 4/7 है, तो यहाँ इनकी प्रोबेबिलिटी का एलसीएम लें तो क्या आ रहा है, 14, कितना बन गया, 1+4 यानी कि 5/14,
आ रहा है, क्लियर। सो अब हम यहाँ पर बेस थ्योरम की हेल्प लेने वाले हैं बाय बेस थ्योरम। ये देखिए, बेस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसकी होगी? देखिए, उन्होंने क्या पूछा है कि वो फर्स्ट अर्न से आने के कितने चांस हैं, और फर्स्ट अर्न को हमने इवन नाम दिया है ना, यानी कि हमें इवन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन कब? जब वो वाइट निकली हो, यानी कि ये कंडीशनल में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्लियर। जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो, और जो हो चुका है वो ऐसे स्लैश लगा के करते हैं हम, है ना। तो इसके लिए यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी का काम कौन करेगा? ये ए, नॉर्मली यही तो होता है। ये देखिए कि जो हो चुका है उससे डिवाइड करते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज में कंडीशनल का यही फॉर्मूला था, है ना। और इन दोनों से रिलेटेड क्या काम होता है कि इनकी आपस में इंटरसेक्शन, है ना, उसके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हम लेकर चलते हैं। अब ये देखिए कि कंडीशनल में इंटरसेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैपन, ऐसे ही शो करते थे, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये जो बेस थ्योरम का फॉर्मूला है वो तैयार होता है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए, हमारे पास दोनों ही प्रोबेबिलिटीज़ हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी है? 1/2 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैपन कितनी है? 1/7 है ना। एंड डिवाइडेड बाय ए की प्रोबेबिलिटी कितनी निकाली थी? 1/7 लिखना था, 1/2 लिख दिया। ये आ गई हमारे पास 5/14, है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ऊपर कितना आ रहा है? 1/14, और नीचे 5/14। सो 14 से 14 कैंसिल कर दे, कितना आ गया? 1/5। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, होपफुली समझ आया होगा। तो ये अब जो क्वेश्चन था वो लास्ट एक्सरसाइज से कैसे डिफरेंट है वो समझ आ गया होगा। लास्ट एक्सरसाइज में हम सिर्फ वाइट की प्रोबेबिलिटी निकालते थे, लेकिन अब उसने वाइट बता दिया कि वाइट तो है, लेकिन वो फर्स्ट बैग से आया या सेकंड बैग से आया उसकी प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो समझ जाइए कि हमें बेस थ्योरम पर काम करना है, और टोटल प्रोबेबिलिटी जितना काम तो हम कर ही चुके हैं, तो ये एक्स्ट्रा काम हमें करना होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है? देयर आर टू बैग्स, ओके, कंटेनिंग सम बॉल्स। दोनों बैग्स में कुछ बॉल्स दी गई हैं, एंड ए बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम। किसी भी बैग को रैंडमली सिलेक्ट कर लिया गया है, उसमें से एक बॉल निकाली गई है, और वो बॉल निकली रेड कलर की, है ना। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो फर्स्ट बैग से आई थी। तो क्या बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन ही बन गया, है ना। चलिए फटाफट कर देते हैं। तो ये जो गिवन में तो आप बता ही देंगे कि गिवन में फर्स्ट बैग में कितनी बॉल है, सेकंड में कितनी बॉल है। इवन ई टू इवेंट भी कुछ उसी तरीके से है, बी द इवेंट दैट फर्स्ट बैग इज सेलेक्टेड, है ना, एंड ई टू इवेंट क्या हो जाएगा? सेकंड बैग इज सेलेक्टेड, ओके। एंड ए इवेंट किसको माने? बी द इवेंट दैट द सेलेक्टेड बैग बॉल इज कौन से कलर की? ये देखिए, रेड, ठीक है। किस कलर की निकली थी? रेड। देयरफॉर ये देखिए, फटाफट हो जाएगा अब ये कि ई1 और ई2 के बैग सिलेक्शन की तो प्रोबेबिलिटी सेम रहने वाली है, 1/2। अगर फर्स्ट बैग सेलेक्ट हुआ तो उसमें से रेड आने के कितने चांस हैं? फर्स्ट बैग में देखिए हमारे पास 3 रेड और टोटल 7 बॉल हैं, तो 3/7, है ना। और अगर सेकंड बैग सेलेक्ट होता है तो उसमें से रेड बॉल आने के कितने चांस हैं? उसमें 2 रेड और टोटल 5 बॉल है, सो 2/5 के इक्वल आ गया, क्लियर। देयरफॉर यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैपन, है ना, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई टू हैपन। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास ऑलरेडी है, 1/2 + 1/2 मल्टीप्लाई इसके साथ 3/7, इसके साथ 2/5, है ना। सो ये कितना रिजल्ट दे रहा है? 3/14,
ये कुछ कैंसिल, क्योंकि एलसीएम तो वैसे भी सेम नहीं आना था, तो जितना छोटा पॉसिबल हो जाए वो कर ही लेते हैं, है ना। सो ये कितना बन गया हमारे पास, 70 और 15 प्लस 14, तो ये आ गया 29/70। क्लियर। तो अब आगे काम करते हैं यूजिंग बेस थ्योरम। बेस थ्योरम की हम यहाँ पर हेल्प लें तो क्या सिचुएशन बनने वाली है। देयरफॉर हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी वो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए इन्होंने किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है कि फर्स्ट बैग की, और फर्स्ट बैग को हमने क्या नाम दिया है, ईवन नाम दिया है ना। तो यहाँ पर हम ईवन की प्रोबेबिलिटी निकालने वाले हैं, कब, जब रेड बॉल निकली हो उसमें से। तो कैसे बताया था कि इस ईवन की प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ईवन हैपन, यानी कि इसको डिवाइड किससे करें, ए की प्रोबेबिलिटी से, है ना। तो अभी देखिए सारी इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास है ही, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ईवन की प्रोबेबिलिटी 1/2, ए वन इवन हैपन 3/7, एंड ए की प्रोबेबिलिटी 29/70। सो ऊपर बन गया 3/14 और 29/70। इसको सिंप्लीफाई करें, 3/14 एंड 70/29 लिख सकते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 5 पर, तो रिजल्ट क्या आ गया, 15/29, है ना। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्लियर, आसान आसान से क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है अगर अच्छे से अब तक आप प्रोबेबिलिटी करते आए हैं तो, ठीक है। लेकिन इस बेस थ्योरम में से मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहते हैं कि एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। क्लियर, चलिए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, और इसमें थर्ड तीन ही अर्न है, वाह, कि तीन अर्न है, उनमें कुछ बोल्स हैं, ये पहला कलेक्शन, ये दूसरा कलेक्शन और ये तीसरा कलेक्शन है, ठीक है। एंड वन ऑफ द अर्न इज सेलेक्टेड एट रैंडम, फिर से वही, अब तक दो अर्न में से कोई एक सेलेक्ट हो रहा था, अब तीन में से कोई एक सेलेक्ट हो रहा है, और जो बॉल निकाली उसमें से वो निकली रेड, तो बताइए उसके सेकेंड अर्न में से होने के कितने चांस हैं। चलिए फटाफट कर देते हैं, गिवन में आप वही अर्न का कलेक्शन बता देना। सो लेट करते हैं, लेट इवन बी द इवेंट दैट अर्न वन इज सेलेक्टेड, है ना, ऐसे लिख दे। एंड ई टू बी द इवेंट दैट, या फर्स्ट टर्न और सेकेंड टर्न ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट अर्न इज सेलेक्टेड, सेकेंड अर्न इज सेलेक्टेड, एंड ई थ्री इवेंट बोल देते हैं किसको, थर्ड अर्न इज सेलेक्टेड, एंड ए इवेंट बोल देते हैं किसको, सेलेक्टेड बॉल को, कि सेलेक्टेड बॉल इज कैसी चाहिए थी, रेड, है ना। सो उसको हमने रेड बोल दिया। तो देयरफॉर अब यहाँ पर देखिए ई वन ई टू ई थ्री तीनों के बैग के सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो कितनी आएगी, 1/3 हो जाएगी, है ना। एंड अगर फर्स्ट बैग सेलेक्ट हुआ तो उसमें से रेड बॉल आने के कितने चांस है, तो देखिए फर्स्ट बैग में दो रेड और टोटल 5 है, सो 2/5। एंड सेकेंड बैग से रेड बॉल आने के कितने चांस हैं, सेकेंड बैग में दो ब्लैक और 4 रेड हैं, आगे पीछे दे रखे हैं ध्यान से करिएगा, तो 4 रेड हैं, सो 4/6। एंड थर्ड बैग से, एक सेकेंड, मैंने शायद से गलत पढ़ लिया, ठीक है, ये इसमें छिप गया था ऐसे, तीन तीन रेड और दो ब्लैक हैं, है ना। सो तीन और टोटल 5 हो गई, तो 3/5 आएगा इसमें, 3/5। और थर्ड बैग में 4 रेड और एक ब्लैक है, तो 4/5, है ना। देयरफॉर अब यहाँ से हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लें किसकी, रेड आने की, तो ये किसकी इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई टू हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई थ्री हैपन, है ना। सो ये थी 1/3, 1/3
एंड 1/3, और इनके मल्टीपल में 2/5 मल्टीप्लाई 3/5 मल्टीप्लाई 4/5। बाई चांस डिनोमिनेटर सबका सेम है तो एलसीएम ले लेते हैं 15। सो 2 + 3 + 4 कितनी आ गई, 9/15, है ना। देखते हैं इसको कैंसिल करें या और एज इट इज़ छोड़ देते हैं, क्योंकि अब हमें बेस थ्योरम की हेल्प लेनी है। यूजिंग बेस थ्योरम हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आएगी, देखिए हमें सेकंड बैग के सेलेक्ट होने के चांस बताने हैं, और सेकंड बैग को हमने E2 से डिनोट किया है ना। तो यहाँ पर हमें E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, कब A हो चुका हो, यानी कि रेड बॉल निकल चुकी हो, यानी कि A से तो डिवाइड कर दिया। सो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 हैपन, ये हमारा फेवर में आ गए। सो E2 की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A है 9/15, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 हैपन देखिए 2/5 ऊपर है ना। सो 2/5, तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर 15 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2/9। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ रही है 2/1। मैंने शायद से एक मिस्टेक कर दी, क्या मैंने फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी ले ली, हमें तो सेकंड की निकालनी है ना, तो सेकंड की 3/5 लेके चलनी थी। ठीक है, सो मेरी तरह से गलती मत कर देना, थोड़ी से ध्यान से करना। सो 3/9 तो एक इसके इक्वल आ गया, 1/3 के इक्वल आ गया। क्लियर, तो ये थी हमारा कौन सा क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन था। ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, बैग 1 कंटेन सम बोल्स, बैग 2 कंटेन सम बोल, बैग 3 कंटेन सम बोल एंड 1 बोल इज एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग, कोई भी सिलेक्ट हो और उसको वाइट निकले वो, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉप फ्रॉम द सेकंड बैग। बिल्कुल सेम तरीके से करना है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये वाला हिस्सा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, एज इट इज ही तो यूज करना है हमें, बस अर्न की जगह यहाँ पर बैग लिखे हुए हैं, ठीक है। सो फिर से वही गिवन बैग 1 बैग 2 बैग 3 की इन्फॉर्मेशन बता दीजिएगा, तो उसके बाद हमें इवेंट सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर बैग 1 के सिलेक्शन को E1 बोल दिया, 2 के सिलेक्शन को E3, सो इसके नीचे वाले को भी हम कॉपी कर सकते थे वैसे, E1 E2 E3 तीनों के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/3 हो गई। सो अब यहाँ से अगर अब हमें कैसी बॉल चाहिए थी, वाइट बॉल चाहिए, तो यहाँ पे रेड की जगह क्या आ जाएगा, वाइट आ जाएगा। सो अगर फर्स्ट बैग सेलेक्ट हुआ तो उसमें से वाइट बॉल आने के कितने चांस है, तो उसमें 3 वाइट और 5 ब्लैक है, यानी कि टोटल 8 ब्लैक है, सॉरी 8 टोटल है। अगर सेकंड बैग सेलेक्ट होता है तो उसमें से वाइट बॉल आने के कितने चांस है, सेकंड बैग में 4 वाइट और 6 ब्लैक है, यानी कि 4/10। एंड अगर थर्ड बैग सेलेक्ट होता है तो उसमें से वाइट आने के चांस कितने हैं, तो थर्ड बैग में 6 वाइट और 6 ब्लैक है, यानी कि 6/12। क्लियर, तो अब क्योंकि इनका एलसीएम तो डिफरेंट आने वाला है, तो थोड़ा बहुत जितना छोटा हो जाए तो बेटर है, तो इसको हम 2/5 लिख सकते हैं एंड दैट वन कैन बी ट्रीटेड एज 1/2। देयरफॉर हमारी जो वाइट आने की प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हैपन, है ना, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E3 हैपन। क्लियर, सो E1 E2 E3 इनकी प्रोबेबिलिटी तो कितनी थी, 1/3 के इक्वल, और इनके मल्टीपल में 3/8 2/5 एंड 1/2। सो कुछ और कैंसिल हो सकता था तो हमने कैंसिल कर दिया, सो 1/8 प्लस 2/15 प्लस 1/6, है ना। सो वैसे यहाँ पर इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम में देखिए 3 तो एक एक कॉमन था, तो एक तो ये 3 और एक दो इसमें भी है हमारे पास, तो 10 और
चार 12 120 आ जाएगा, आई थिंक 120 बन जाएगी बात, है ना। सो चलिए आगे करते हैं। तो ये क्या बनेगा, 8 1 8 5 और 8 16। एल्सम प्लीज चेक कर लीजिएगा, हो सकता है मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए। तो 20 30 40 50 और 1 51 आई थिंक यहाँ कहीं बनना चाहिए, है ना। तो ये तो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी बन गई। तो अब आगे करते हैं। देयर फॉर यूजिंग हे बेस थ्योरम हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आ जाएगी, हमें देखिए किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है सेकंड बैग से। और सेकंड बैग को हमने क्या नाम दिया है, E2 नाम दिया है। सो E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन ए ऑलरेडी हैपन। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैपन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो E2 की 1/3 थी, ए की प्रोबेबिलिटी 51/120 आ रही है, और ए व्हेन E2 हैपन है 2/5 के इक्वल। सो 2/5 तो ये कितना आ रहा है, 2/15, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 120/51, है ना। सो 15 से इसको कैंसिल करें तो 8, सो ये आई थिंक कटेगा तो नहीं का, तो आंसर आ जाना चाहिए 16/51 के इक्वल, है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि कंटिन्यूसली बिल्कुल सेम टाइप के पैटर्न्स पर डिपेंड करता है ना। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। क्या है, ए बैग कंटेन्स सम बॉल्स, टू बॉल्स आर ड्रॉन वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट एट रैंडम फ्रॉम द बैग। तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग कलेक्शन बन सकता है। फिर कहता है इफ़ द सेकेंड बॉल ड्रॉ इज़ गिवन टू बी वाइट, कि हमें ये पता चला कि जो सेकेंड बॉल है वो वाइट है। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल इज़ ऑल्सो वाइट। तो यहाँ पर हमें फिर से केसेस मानने पड़ेंगे कि फर्स्ट बॉल जो है वो वाइट हो या दूसरे कलर कौन सा है, रेड, तो रेड हो। तो हम इनको कुछ लैट कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए इसमें गिवन में एक ही बैग है फिलहाल, तो उसी की इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। यहाँ पर लैट करते हैं, देखिए इवेंट फर्स्ट बॉल का, ठीक है, कि जो फर्स्ट बॉल निकली वो क्या निकली। लेट इवन बी द इवेंट दैट फर्स्ट सिलेक्शन जो हुआ बॉल का, फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ बॉल इज रेड मान ले, एंड E2 बी द इवेंट दैट फर्स्ट सिलेक्शन ऑफ बॉल ये वाइट मान लेते हैं, क्योंकि उसकी वजह से सेकंड बॉल पर इफेक्ट पड़ेगा, और सेकंड ही यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, वाइट, और फर्स्ट की हमें निकालनी है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज की तरह कंडीशनल पे काम करना है। सो ए हमने इवेंट मान लिया कि जो सेकंड सिलेक्शन है वो क्या हो, वाइट हो, क्लियर। तो अब ये देखिए E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। E1 क्या कह रहा है कि फर्स्ट बॉल रेड आई, तो फर्स्ट रेड, देखिए इस टोटल है 7, तो 7 में से रेड कितनी है, 3 है, तो कितने तरीके हो जाएंगे रेड आने के, 3/7। E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब ये देखिए E2 क्या है, वाइट, देखिए टोटल तो 7 ही है लेकिन सेकंड क्या है, वाइट आने की प्रोबेबिलिटी, और वाइट कितनी है, 4 है, तो कितने में से आएगी, 4 में से आएगी, है ना। अब ये देखिए कि हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि E1 हो चुका है। E1 होने का मतलब क्या है कि पहली बॉल रेड निकल चुकी है। अब एक बॉल रेड निकल चुकी है तो कितनी रेड बची, 2 रेड बची, और 4 वाइट ही बच गई, क्योंकि वाइट तो निकली ही नहीं। तो अब जो ये नया कलेक्शन बना, इस नए कलेक्शन में से वाइट आने के कितने चांस हैं, क्योंकि ए देखिए ए क्या है, वाइट, तो वाइट कितनी बची हैं, 4, टोटल कितनी बची हैं, 6, है ना। तो यानी कि अगर इवन इवेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में वाइट आने के कितने चांस हैं, 4/6, ठीक है। लेकिन अगर
ई टू इवेंट हो जाता है तो वाइट आने कितने इवेंट है। अब ई टू क्या कहता है कि पहली बॉल वाइट निकली है, पहली बॉल वाइट निकली तो पहले चार थी तो अब कितनी बची, तीन बची है ना। तो अब नया कलेक्शन में कितनी बॉल है, तीन रेड और तीन वाइट है, तो उनमें से एक वाइट आने के कितने चांस हैं, 3/6, क्योंकि टोटल तो 6 ही बची, 3 और 3 6 है ना, क्योंकि हम विदाउट रिप्लेसमेंट पे काम कर रहे हैं। इसमें बोल रखा है देखिए विदाउट रिप्लेसमेंट, क्लियर। तो यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ पर सेकेंड बॉल के वाइट होने के चांस निकालना चाहते हैं, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, जो कि किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैपन। अब तो आप कर ही लोगे, क्योंकि मेनली जो दिक्कत आती है वो दिक्कत आती है इवेंट्स कंसिडर करने में। इवेंट अगर अच्छे से कंसिडर हो जाए तो उसके बाद इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। अब बस हमें इनको आपस में सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। एलसीएम सेम आ रहा है तो मैं कैंसिलेशन नहीं कर रहा हूँ। 42 यहाँ 12 एंड 12 कितना बन गया, 24। 42 किससे कैंसिल हो रहा है, 2 से ही कैंसिल हो सकता है आई थिंक, 6 से भी हो ही रहा था। चलो अब तो लिख ही लिया हमने, 3 से कर देते हैं। सो 4/7 ओके। सो अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी तो देखिए हमें निकालनी थी कि फर्स्ट बॉल वाइट हो। फर्स्ट बॉल वाइट किसको माना हमने, ई टू को माना, यानी कि ई टू की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। कब, जबकि गिवन में क्या है, गिवन में है कि वाइट हो कौन, सेकंड बॉल, और सेकंड बॉल को वाइट हमने माना है क्या, ई टू सॉरी ए। तो हमें ई टू व्हेन ए हैपन निकालना है, तो ये किसके हेल्प से होगा, यूजिंग बेस थ्योरम है ना। सो हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी वो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, हमें ई टू की प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन ए इज ऑलरेडी हैपन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई टू हैपन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो ई टू की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/7, और मल्टीप्लाई ए व्हेन ई टू 3/6 के, और डिवाइड बाय क्या है, ए की प्रोबेबिलिटी 4/7 है ना। तो चलिए इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 4/7 के डिनोमिनेटर को 7/4 लिख सकते हैं। अरे ये तो पूरा कट ही रहा था, चलो कोई बात नहीं अब काट देते हैं। तो 3/6 को कैंसिल करें तो 1/2 हमारे पास क्या आ गई, हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस, 3 बॉक्स हैं। फर्स्ट बॉक्स में ये कहता है कि बोथ कॉइन्स आर गोल्ड कॉइन, हर ये कहता है कि हर बॉक्स में 2 कॉइन है, तो पहले बॉक्स में दोनों गोल्ड कॉइन है, दूसरे बॉक्स में दोनों सिल्वर कॉइन है, तीसरे बॉक्स में एक गोल्ड और एक सिल्वर कॉइन है। सो ये कहता है कि एक पर्सन ने एक बॉक्स चूज किया रैंडमली और एक कॉइन निकाला, और वो कॉइन निकला गोल्ड कलर का, क्लियर। सो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट कि वो दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो गोल्ड, तो वो एक्चुअल में किसकी प्रोबेबिलिटी पूछना चाह रहा है, वो फर्स्ट बॉक्स की प्रोबेबिलिटी पूछना चाह रहा है। उसने इनडायरेक्ट वे में बोला है कि फर्स्ट बॉक्स होने के चांस बताओ, क्योंकि देखो एक कॉइन निकाला वो गोल्ड निकला, तो जो दूसरा कॉइन बचा वो भी गोल्ड होने के चांस बताना है, यानी कि दोनों कॉइन गोल्ड होंगे, और दोनों कॉइन गोल्ड किस में है, फर्स्ट बॉक्स में ही तो है ना। तो इनडायरेक्ट वे में हमें फर्स्ट बॉक्स की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। सो गिवन में आप क्वांटिटीज बता सकते हैं कि फर्स्ट बॉक्स में कितने गोल्ड कॉइन है, सेकंड में कितने, थर्ड में कितने। सो अब हम ई1 ई2 ई3 इवेंट कंसीडर करते हैं यहाँ पर, ठीक है। सो इवन बी द इवेंट दैट फर्स्ट बॉक्स इज सेलेक्टेड, ठीक है, एंड ई टू बी द इवेंट दैट सेकेंड बॉक्स इज सेलेक्टेड, एंड ई टू बी द इवेंट दैट थर्ड बॉक्स इज सेलेक्टेड, क्लियर। एंड ए इवेंट मान लेते हैं किसको, कि गोल्ड कॉइन सेलेक्ट हुआ है ना, कि
कॉइन सेलेक्टेड इज गोल्ड, या गोल्ड कॉइन इज सेलेक्टेड, ऐसे बोल देते हैं, गोल्ड कॉइन इज सेलेक्टेड। ये कौन सा गोल्ड कॉइन की, इसकी बात नहीं कर रहा, इस वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इफ जो निकाला पहले हमने वो गोल्ड निकला, ठीक, क्लियर। सो ये देखिए, तीन बॉक्स थे, तीनों बॉक्स के प्रोबेबिलिटीज जो होंगी वो सेम होंगी, और कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/3 के इक्वल है ना। सो अब यहाँ से अगर फर्स्ट बॉक्स सेलेक्ट हुआ तो उसमें से गोल्ड कॉइन आने के कितने चांस है, देखिए फर्स्ट बॉक्स में तो दोनों के दोनों गोल्ड कॉइन है, सो गोल्ड कॉइन आने के चांस कितने हुए, 2/2, यानी कि 1 ही हो गए। एंड सेकंड बॉक्स से गोल्ड कॉइन आने के कितने चांस है, देखिए सेकंड बॉक्स में दोनों के दोनों सिल्वर कॉइन है, यानी कि टोटल कॉइन तो 2 है, लेकिन गोल्ड कितने हैं, 0, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0। तो अगर थर्ड बैग सेलेक्ट हुआ या बॉक्स सेलेक्ट हुआ तो उसमें से गोल्ड कॉइन आने के कितने चांस है, टोटल कॉइन तो 2 ही है लेकिन एक गोल्ड है सिर्फ, है ना। सो इसमें से गोल्ड आने के 1/2 चांस हैं, देयरफॉर गोल्ड कॉइन आने के कितने चांस है, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन व्हेन मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैपन, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E2 हैपन, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E3 ऑलरेडी हैपन। सो इनकी वैल्यूज रखें, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। अब ये 1 के इक्वल है, ये 0, एंड दैट वन इज़ हाफ, सो हमारे पास सिर्फ 1/3 और 1/6 बचा है ना। एलसीएम 6, 2+1, 3/6, कितना आ गया, 1/2 के इक्वल। सो अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फर्स्ट बॉक्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो बेस थ्योरम की हेल्प लें, यूजिंग बेस थ्योरम हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी वो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, फर्स्ट इवेंट की, कब, जब ए होल ऑलरेडी हो चुका हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैपन एंड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो देखिए, ए वन की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और ए व्हेन इवन हैपन की प्रोबेबिलिटी 1 है और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गई है। सो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 2/3 के इक्वल। क्लियर, आसान है क्वेश्चंस, किसी किसी में थोड़ा सा डाउट हो सकता है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस जो हैं वो आसान है, डायरेक्टली आप उनके इवेंट्स को पहचान कर सकते। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्या कहता है कि एक बोल्ट फैक्ट्री है और उसमें 3 मशीन है, मशीन 1, 2, 3, और वो 60%, 25% और 15% रिस्पेक्टिवली मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, यानी कि फर्स्ट मशीन पूरे मटेरियल का 60% मैन्युफैक्चर करती है, सेकंड मशीन 25% और थर्ड मशीन 15% रिस्पेक्टिवली, है ना, ठीक है। फिर कहता है ऑफ द टोटल ऑफ देयर आउटपुट, कि इन्होंने जितना जितना आउटपुट दिया उनमें से 1%, 2% और 1% जो है वो डिफेक्टिव निकलता है, ठीक है, कि पहली मशीन ने जो 60% मटेरियल बनाया उसमें से 1% डिफेक्टिव है। तो अब ये कहता है कि एक बोल्ट जो है रैंडमली हमने ड्रॉ किया टोटल प्रोडक्शन में से और वो निकला डिफेक्टिव, ओके, सो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो, अच्छा हमें डिस्पेक्टिव, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन 1, 2 एंड 3, तीनों की प्रोबेबिलिटी बतानी है एक एक करके। तो ऐसा करेंगे, 1 और 2 की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे और फिर 3 की निकालने के लिए 1 में से 1 और 2 की प्रोबेबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या टोटल भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए लैट करते हैं, यहाँ पर गिवन में आप ये बता सकते हैं कौन कितना मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है, तो लैट करते हैं, लेट इवन बी द इवेंट दैट बोल्ट बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय
मशीन वन बोल दें, मशीन वन, एक्चुअली स्पेस नहीं है तो मैं एम लिख रहा हूँ, एंड ई टू बी द इवेंट दैट बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन टू, एंड ई थ्री बी द इवेंट दैट बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन थ्री, एंड ए बी द इवेंट दैट सेलेक्टेड बोल्ट इज क्या हो डिफेक्टिव इज। ऐसा क्वेश्चन आई थिंक लास्ट एक्सरसाइज में भी आया था, है ना, सिलेक्टेड बोल्ट इज डिफेक्टिव। तो देखिए फर्स्ट मशीन के प्रोडक्शन के कितने चांस हैं, 60% उन्होंने दे रखा है, तो परसेंटेज को हटाएं तो ये बन गया, तो 6/10 लिख सकते हैं। मैं इसको छोटा फिलहाल नहीं कर रहा हूँ, एलसीएम सेम आ जाएगा इस वजह से। ई टू के कितने चांस हैं, 25% चांस हैं। अच्छा यहाँ नहीं होगा तो ऐसा करते हैं पूरा ही 100 में ही रख लेते हैं, और ई थ्री के क्या है 15% है, तो परसेंट हटा के नीचे इसके 100 आ गए, क्लियर। लेकिन अब हमें अगर फर्स्ट मशीन से प्रोडक्शन हुआ है तो उससे डिफेक्टिव होने के कितने चांस है, देखिए 1% दे रखा है, सो 1/100, ठीक है। लेकिन अगर सेकेंड मशीन से प्रोडक्शन हुआ है तो उससे डिफेक्टिव होने कितने चांस हैं, 2/100, और थर्ड मशीन से अगर प्रोडक्शन हुआ है तो उससे डिफेक्टिव होने के कितने चांस हैं, वही 1/100, है ना। तो बेसिकली अब हम यहाँ पर डिफेक्टिव बोल्ट होने के चांस पता करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इवन हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन ई टू हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई थ्री हैपन, है ना। तो इनको सब्स्टिट्यूट करें, 60/100 मल्टीप्लाई 1/100 प्लस 25/100 मल्टीप्लाई 2/100 प्लस 15/100 मल्टीप्लाई 1/100, तो ये एलसीएम कितना आ गया, 10,000, और ऊपर 60 प्लस 50 प्लस 50, सो 110, 125/10,000, है ना। तो फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ दें। सो अब हमें बेस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ेगी, किस लिए, ये पता करने के लिए कि वो कौन सी मशीन से प्रोड्यूस हुआ, फर्स्ट से सेकंड से थर्ड से, सभी से निकालना है। सो यूजिंग बेस थ्योरम देखिए हमें एक तो निकालनी है फर्स्ट मशीन से अगर वो प्रोड्यूस हुआ तो उसके चांसेस, तो ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैपन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवन हैपन, देखिए यही तो है ना। सो 60/100 मल्टीप्लाई 1/100, और डिनोमिनेटर में क्या है, 150/125/10,000, है ना, ये 10,000 लिखा है, कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 60/125, 5 से कैंसिल कर दें, 12, 5 से इसको किया तो 25, तो ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट मशीन। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू निकालते हैं, ऐसे निकालें तो ये छोटा भी पड़ता है हमारे पास, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई टू हैपन किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू है 25/100 मल्टीप्लाई 2/100 डिवाइड में कितना है, 120/10,000, तो 10,000 कैंसिल, 25 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 125, तो 25 से 125 कैंसिल किया तो 5 बचेगा, 2/5 हमारी सेकेंड मशीन से डिफेक्टिव बोल्ट आने के चांस आ गए, है ना। इसी तरीके से 13 थर्ड की ओर निकाल लेते हैं, तो किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई थ्री हैपन
जो कि किसके इक्वल आ रहा है, देखिए ये था 15/100 मल्टीप्लाई 1/100 डिवाइडेड बाय 125 डिवाइडेड बाय 10,000, तो 10,000 से 10,000 कैंसिल, 15/125, 5 से कैंसिल करें तो 3/25 हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गई। क्लियर? तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 8th क्या है। इन ए फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स बोल्ट, मशीन ए बी सी मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 30%, 50% एंड 20% ऑफ द बोल्ट, उसी तरह से एंड ऑफ देयर आउटपुट 3, 4, 1% है रिस्पेक्टिवली। द डिफेक्टिव बोल्ट है, एक बोल्ट निकाला और वो डिफेक्टिव निकला, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए, मशीन ए से मैन्युफैक्चर नहीं हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यानी कि मशीन ए और मशीन बी से प्रोड्यूस हुआ होगा, तो हम इसको करने के लिए ऐसा करते हैं, मशीन बी से वो डिफेक्टिव बोल्ट निकला उसके चांस निकाल कर 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, है ना। तो ऐसा करते हैं, देखिए इतना काम तो हमें करना ही है, ये तो सेम ही रहने वाला है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सो देखिए गिवन में ये चीज़ें बता दीजिएगा, तो उसके बाद लेट इवन इवेंट मान लेते हैं किसको, कि मशीन वन से सेलेक्ट हुआ, मशीन टू से और डिफेक्टिव हुआ, तो यहाँ पर ये चेंजेस हो जाएंगे, ये नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट दे रखे हैं। तो देखिए फर्स्ट मशीन कितना प्रोडक्शन कर रही है, 30%, सेकेंड 50% और थर्ड 20%, है ना। और फर्स्ट से डिफेक्टिव आने के चांस है 3, सेकेंड से 4 और थर्ड से 1%। सो अब इनकी प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव की निकाल रही है, सो 3/100 प्लस 50/100 मल्टीप्लाई 4/100 प्लस 20/100 मल्टीप्लाई 1/100। सो 10,000 उसी तरह से एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ गया 90 प्लस 200 प्लस 20 यानी कि 310 डिवाइडेड बाय 10,000। क्लियर? सो अब हम यहाँ पर देखिए थर्ड मशीन से डिफेक्टिव आने की चांसेस ना, मशीन बी से निकालना था क्या, और मशीन बी को हमने ये बोल रखा है, तो यहाँ मशीन ए बी सी बोल देते हैं, मशीन ए मशीन बी एंड मशीन सी, ठीक है। तो चलिए देखिए सेकंड का निकालना था हमें, क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन ई टू हैपन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हमने पहले यूजिंग वो नहीं बताया तो यहाँ बता देते हैं, यूज्ड बेस थ्योरम, ठीक है। पहले लिखना भूल गए थे तो अब लिख देते हैं, तो अब इनके वैल्यूज रखें, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू है 50/100 मल्टीप्लाई ए व्हेन ई टू कितना है 4/100, ऊपर देखिए सारी इन्फॉर्मेशन है, और इसकी है 310 डिवाइडेड बाई 10,000, तो 10,000 कैंसिल, कितना बच गया 50 मल्टीप्लाई 4/100 से 10 कैंसिल कर दें, और तो कुछ आई डोंट थिंक कि कुछ कट रहा है, तो ये बच गया। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, हमारी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या है कि जो बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड हुआ वो मशीन बी से नहीं हुआ है, नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, ठीक है। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, बोल्ट नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, तो ये किसके इक्वल होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू व्हेन ए हैपन, यानी कि एक में से
मशीन बी के बोल्ट प्रोड्यूस करने के चांस को हमने डिफेक्टिव देने के चांस को ख़त्म कर दिया है ना। बोल्ट नॉट डिफेक्टिव बोल्ट नॉट ये बोलना चाहिए था, डिफेक्टिव बोल्ट नॉट मैन्युफैक्चर बाय मशीन बी। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11/31 के इक्वल। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। होपफुली आपको आज के जो 8 क्वेश्चंस है वो समझ आए होंगे। कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूले ताकि उनको भी बेनिफिट हो, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ये बताएं कि इसे नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना चाहिए या कौन सा आप चाहते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।